सबसे पहले हम एक ट्रे लेंगे जिसमें हम बर्फी को सेट करने वाले हैं और उसमें हम बटर पेपर लगाएंगे इस तरह से। इसको हमने सेट करने के बाद में हल्का सा हम इसमें इस तरह से घी लगाएंगे, बस हल्का सा इसमें स्प्रेड करना है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हम 2 कप डिसिनेट कोकोनट ऐड करेंगे, 1/2 कप इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, शुगर, 1 कप मिल्क और हमें लगेगा 1/2 कप मिल्क पाउडर, इसको हम आखिर में डालेंगे। अब हमने गैस ऑन कर दिए, अब इसको हम हल्के से पकाते रहेंगे, जब तक इसमें शक्कर मेल्ट नहीं होती है तब तक इसको हम पकाएंगे। इसको धीमी आंच पे ही हमें बनाना है। ये आप देख सकते हैं जिस तरह हम ये फ्रेश नारियल लेते हैं उसी तरह से ये हो गया है। और इसको हम इतना बनाए पकाएंगे कि इसमें जो चिकनाहट जैसी आना चाहिए और ये सेट होने की जैसे लाइक, तब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सेट होते आ गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 1/2 कप और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिए, आप देख सकते हैं ये हो गया है रेडी सेट होने के लिए। ना ही इसमें हमने मावा ऐड किए, ना ही इसमें हमने घी बटर ऐड किए हैं और ये एकदम आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये बना हुआ है। अब हम गैस ऑफ करेंगे। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक इस तरह से मिल्क पाउडर ऐड करके हमने इसको चलाई है। हमने एक छोटा पोर्शन करके रखे हैं और एक बड़ी साइज का, तो हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करने वाले हैं। जो बड़ी साइज वाला है वो व्हाइट ही हम रखेंगे, बड़ा जो पार्ट्स है। ये मैंने थोड़े से जैफरन को दूध में भिगा के रखी थी। हमने इसको अच्छी तरह से सेट करके रख दिए। अभी इसको हम 1/2 आवर के लिए या तो 1 घंटे के लिए इसी तरह रखेंगे और फिर इसके पीसेस करेंगे। ये सेट हो गई 1/2 घंटे में। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। इस पे हम चांदी का वर्क लगाएंगे इस तरह से। इसको हम कट लगाएंगे। इसके हमने पीसेस करके रखे हैं। आप अपने मर्जी के हिसाब से इसके पीसेस बना सकते हैं और आप देख सकते हैं इसको बर्फी को, ना ही इसमें हमने मावा ऐड किए ना घी और फिर भी ये मावे वाली बर्फी बनके रेडी हो गई है और बहुत ही जबरदस्त है इसका खाने में टेस्ट भी। आप इसको 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। ये हो गया रेडी, हमने डिश आउट किए, बहुत ही अच्छी बनी है ये बर्फी। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है एकदम लाजवाब है और बहुत ही इजी है, बहुत ही एकदम खाने में टेस्टी है, एकदम सिंपल तरीका है बनाने का। इसको 1 वीक तक आप रख सकते हैं बनाकर और एकदम इजी है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें।
आप भी इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।